शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, इसी वजह से इन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। ये पदवी इन्हें भगवान शंकर से प्राप्त हुई है। अमावस्या के दिन जन्म में शनिदेव ने अपनी दृष्टि से पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग दे दिया था। एक बार शनि महेश युद्ध में महेश्वर ने इन्हें 19 साल तक के लिए पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका दिया था। भगवान शंकर स्वयं आए शनिदेव से युद्ध करने। जी हाँ, सूर्यदेव ने अपने सभी पुत्रों को इनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न लोगों का आधिपत्य दे दिया। इससे असंतुष्ट होकर शनिदेव ने दूसरे लोगों पर कब्जा कर लिया। सूर्यदेव की आराधना पर भगवान शंकर ने अपने गणों को शनिदेव से युद्ध करने के लिए भेजा, लेकिन शनिदेव ने सभी को परास्त कर दिया। इसके बाद भगवान शंकर स्वयं शनिदेव से युद्ध करने आए। शनिदेव ने भगवान शंकर पर मारक दृष्टि डाली तो भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर शनिदेव के अहंकार को तोड़ दिया। शनिदेव को सबक सिखाने के लिए भगवान शंकर ने उन्हें 19 वर्षों तक पीपल के पेड़ से उल्टा लटका दिया। इन्हीं 19 वर्षों के दौरान शनिदेव भगवान शंकर की उपासना करते रहे। यही वजह है कि शनि की महादशा 19 वर्षों की होती है। पुत्र की यह दशा देखकर सूर्यदेव ने भगवान शंकर से जीवन दान मांगा। इसके बाद भगवान शंकर ने शनिदेव को मुक्त कर दिया और उन्हें अपना शिष्य बनाकर उन्हें दंडाधिकारी नियुक्त कर दिया। आपको बता दें कि भगवान राम ने भी शनिदेव की वजह से ही काटा था वनवास। ब्रह्म बेवर्त पुराण की माने तो शनिदेव की वजह से ही भगवान गणेश का सर कटा था और वह गजमुख कहलाए। विक्रमादित्य को शनिदेव के क्रोध के कारण ही जीवन में कष्ट झेलने पड़े थे। राजा हरिश्चंद्र को भी शनिदेव की वजह से ही दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। शनिदोष की वजह से ही भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और रावण के वंश का नाश हुआ था। पांडवों को भी जो कष्ट भोगने पड़े थे उसका कारण शनिदेव थे। नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल रानी की रिपोर्ट।